अमित जी, क्या हाल है? जल्दी जल्दी से अमित जी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अमित। हेलो, मैम, आई एम वेरी गुड। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ जी। सुनाइए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे मैम, आप धर्म के ऊपर, जैसे रिलीजन के ऊपर बहुत टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ। ये अगर आप एक ये चीज पूछनी, अगर ये पूरे वर्ल्ड से रिलीजन नाम की चीज खत्म हो जाए, तो क्या आपस में लड़ना झगड़ना सब कुछ मारपीट खत्म हो जाएगा? नहीं, रिलीजन इस चीज को और बढ़ावा देता है, वरना तो आप देख लो चाइना में क्या हो रहा है। चाइना में वो लोग रिलीजन को नहीं मारते ना, मानते हैं बिल्कुल भी। तो वो एक आइडियोलॉजीज होती हैं। अगर आप धर्म को खत्म भी कर दोगे तो लोग फिर किसी और चीज को ढूंढ लेंगे और फिर उस पे बात फिर उस पे मारपीट करेंगे। तो वो तो है ही, पर रिलीजन एक जरिया बना हुआ है इस वक्त, जो पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस वगैरह जो है वो यूज कर रहे हैं। अगर रिलीजन को निकाल दो तो यहाँ पर अगर आप देखो वेस्ट में लोग काला सफेद ब्लैक्स व्हाइट्स इस तरीके से एशियंस ये उठा के डाइवर्सिटी करके इन चीजों पे डिविजन करके लड़ा रहे हैं लोगों को, कुछ ना कुछ करके वो दैट्स द सेम थिंग आई वांट टू से, दैट कुछ भी कर लो मैम, रिलीजन हटा लो, इसकी जगह कुछ हो जाएगा, करप्शन हटा लो, उसकी जगह कुछ हो जाएगा, बट ये स्टिल ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है मैम, ये नहीं। सब मगर कुछ ऐसे रिलीजन ही आपको बहुत चलता सारे रहेगा। जरूरी नहीं है ना, कि रिलीजन आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में, शायद वो सारे लोग सुधर जाएं, शायद इतना ज्यादा ना हो, राइट? शायद इतना नहीं, ज्यादा ना हो, क्योंकि जो रिलीजियस माइंडसेट को बैठ के अभी मोहम्मद जी के उस पे सोच रहे हैं कि मोहम्मद का नाम लो तो हम मार देंगे, तो शायद अगर उनके दिमाग में ये चीज खत्म हो जाए तो शायद वो लाख लोग भी अगर सुधर जाएं और वो ये नहीं सोचें, तो इट्स डिफरेंट ना। चले, मुझे मैम, निकलना है। एक लास्ट थिंग, अगर अच्छा तो ठीक है, ये अगर इस्लामिक लोग ये जो राज चाहते हैं अभी सारी दुनिया में, ये जो शीदिया राज, ये जो भी इस्लामिक राज है, तो फिर तो मैम वर्ल्ड वार ही होगी, तो हाँ, तो फिर शरिया लॉ आया तो तो ऑब्वियसली बर्बादी तो है शरिया लॉ का। शरिया लॉ इज नो गुड। आपको क्या लगता है इनमें से, मतलब कौन जो कौन जीतेगा? कोई मुझे इनमें से तो नहीं लगता, इस्लामिक वर्ल्ड और जो बल्कि जो हम काफिर हैं। भाई देखें, अगर इन्होंने कोशिश की लेने की, टेक ओवर करने की, तो फिर लड़ाइयां होंगी। फिर गोरे जो फिर बैठे हैं यहाँ पर, ऑब्वियस गोरे है, ऑलरेडी बैठे हैं यहाँ तैयार लड़ने के लिए, वो तो ऑलरेडी बिल्कुल बैठे हैं, बैठे हैं मैम, तो बस बिल्कुल फिर बैठे लड़ाई हैं। वो होगी। तो गवर्नमेंट अपॉइंटेशन नहीं दे रही मैम, ये तो तैयार है। तो बस नहीं, लड़ाई होगी होगी, आप देख लेना। इससे पहले कि चीजें बेहतर हों, उससे पहले एक लड़ाई जरूर होगी, ये आएगी, लाइक इट इज गोइंग टू हैपन। चले, मैं आगे चलती हूँ। थैंक यू अमित जी, आप टेक अपनी केयर, तरफ बाय। से, आप अपनी तरफ से समझा देना इनको, भाई इससे कुछ फायदा ही नहीं है, ये खत्म ही हो जाएंगे हम ऐसे कोशिश कर धीरे रहे हैं ना धीरे करके। समझाने की, लोगों को, गोरों को, आप सबको समझाने की कोशिश बेस्ट ऑफ लक, कर रहे हैं। थैंक्स थैंक्स अ लॉट।